Oh God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal home. Under the shadow of thy throne, still may we dwell secure. Sufficient is thy name alone, and our defense is sure. Before the hills in honor stood, for earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. A thousand ages in thy sight are like an evening gone. Short as the watch that ends the night before the rising sun. Oh God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal home. मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11, चलिए वचन 20 से पढ़ते हैं। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पत्रस को वो बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रब्बी, देख वो अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कुछ कहता हूं वही हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा जो उसने कहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह ऐसा भाग है जहां पर यीशु केवल परमेश्वर के विश्वास में काम करना ही नहीं सिखाता है, लेकिन वो प्रकट करके भी दिखाता है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करें, लेकिन विश्वास करें कि जो कुछ वो कहता है वो निश्चय ही पूरा हो जाएगा। यानी केवल एक ही शर्त बताई गई है कि ये बात पूरी हो जाए। आप इसे कहें और फिर दिल में संदेह न करें और बिना संदेह के विश्वास करें। यानी हम इसे देख रहे हैं एक दृष्टिकोण कि संदेह न करें, बिना संदेह के विश्वास करें, क्योंकि महत्वपूर्ण है और यही सब कुछ बर्बाद करता है। ये बहुत अच्छे से काम करेगा अगर हम अपने अविश्वास और संदेह को दूर करें, और जैसे विश्वास करना चाहिए वैसे विश्वास करें। हमें अपने दिल से विश्वास करना है और अपने दिल में संदेह नहीं करना है, लेकिन विश्वास करना है। देखिए, यहां पर यीशु जानबूझकर अंजीर के पेड़ के पास गया। अंजीर के पेड़ की कोई गलती नहीं थी कि वो फल नहीं ला रहा था, क्योंकि अभी तक अंजीर के फल का कोई ऋतु नहीं था। कुछ भी हो, पेड़ को श्राप देता है, क्योंकि वहां पर वो ऑब्जेक्ट लेसन दिखा रहा था। ऐसे करके दिखाना चाहता था कि विश्वास कैसे काम करता है। यानी पेड़ की कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी जाकर यीशु उस पेड़ को श्राप देता है ताकि उससे वहां पर एक पाठ सिखा सके। वो इस तरह से करता है, उस पेड़ से कहता है, अब से कोई भी तेरा फल नहीं खाएगा। अब ऐसा कहने के बाद में वो चले गए और फिर अगले दिन उसी रास्ते से वापस आए, उसी दिशा से गए, और फिर चेलों ने देखा कि जिस पेड़ को यीशु ने कल श्राप दिया था वो जड़ से सूख गया है, और उन्होंने कहा, चकित होकर, जो देखा उसे चकित होकर कहा, जिस पेड़ को श्राप दिया था वो सूख गया है। तब यीशु ने कहा, तुम परमेश्वर में विश्वास रखो। और इसी का बहुत से अनुवाद में इस तरह से अर्थ बताया गया,
परमेश्वर का विश्वास रखो, असली विश्वास रखो। बाइबल ऐसे विश्वास के बारे में कहती है। हमें अपने मन में जान लेना है कि सच में विश्वास क्या है। प्रभु ने पत्रस से कहा, तुम्हारे पास जो है वो विश्वास नहीं। चेलू से कहा, तुमने देखा और विश्वास किया, लेकिन मैंने कहा और जान लिया कि जो कुछ भी मैं कहता हूं वो पूरा हो जाएगा, यही तो विश्वास है। और फिर वो इस पर सिखाना शुरू करता है। एक बात जो हम यहां देखते हैं वो ये है कि हर एक चीज पहले तो भीतर में होती है, उसके बाद में ही वो बाहर होती है। सब कुछ पहले भीतर होता है, उसके बाद में ही वो बाहर होता है। जब यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा, तुरंत ही बाहर से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन भीतर में कुछ हुआ जिस पल उसने कहा। देखिए, तुरंत ही परमेश्वर ने हमें बनाया है ऐसे व्यक्ति जिनके मुंह में अधिकार है। हाँ, जीवन और मृत्यु की सामर्थ हमारी जीभ में है। बाइबल कहती मनुष्य को ऐसे बनाया है, जब मनुष्य शब्द कहता है तो ये शब्द तुरंत ही वहां पर काम करने लगते हैं। लेकिन ये इस तरह से काम करता है, पहले वो अदृश्य संसार में काम करता है। हर चीज के लिए अदृश्य संसार है। अगर समस्या है तो उसका भी अदृश्य संसार है। अगर डॉक्टर के पास जाकर कहें कि मुझे बुखार है, तो टेम्परेचर, जिसे तुरंत ही पहचाना जा सकता है, ये तो सच में गहरी समस्या का चिन्ह है। इसलिए वो आपको टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। कुछ लोग परेशान होते हैं, मैं केवल बुखार के लिए गया और उसने सारे टेस्ट करवाने के लिए कहा। लेकिन बात यह है, वो ढूंढना चाहते हैं कि किस कारण इन्हें बुखार आ रहा है। वो आपको बर्फ की पट्टियां नहीं देंगे कि बुखार कम करवा लें, वो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर इसे और गहराई से देखते हैं। वो कहते हैं कोई समस्या इसलिए बुखार आ रहा है। बुखार तो बाहरी चिन्ह है, लेकिन अंदर समस्या है, अंदर में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तो वो टेस्ट करवाते हैं ताकि ये जान सकें कि भीतर में क्या गलत है, तो वो उस समस्या की जड़ से निपट सकें, तब उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, हर एक चीज के लिए भीतर में कुछ होता है, जैसे कि रोगों के लिए वहां पर कुछ भीतर में जो अदृश्य है, और इसी के कारण यहां पर दृश्य में कुछ हो रहा है। इसी तरह से हर चीज के लिए एक अदृश्य संसार है, और फिर अदृश्य स्तर में वहां पर समस्या है, और यही तो यहां पर प्रकट रूप में दिखाई दे रही है। यही बात को हमें समझना होगा। जब आप किसी पेड़ को सूखते हुए देखते हैं तो नीचे कुछ न कुछ गलत होगा, और इसलिए बाहर से सूख गया है। जब आप देखते हैं पेड़ में अच्छे फल आ रहे हैं, स्वादिष्ट फल, तो फिर कुछ अच्छा हो रहा है। भूमि, अच्छा पानी मिला, अच्छा पोषण मिला है, और इसी के कारण फल अच्छे आ रहे हैं। यानी कुछ न कुछ तो जड़ में हुआ है, अच्छा या बुरा जो जड़ में हुआ है उसी के कारण जो फल है वो प्रकट हो रहे हैं, परिणाम बाहर दिखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये केवल पेड़ के साथ में ही काम नहीं करता है, लेकिन ये काम करता है चंगाई में, संपन्नता में, उन हर एक चीजों में जो हम आनंद उठाने की कोशिश करते हैं मसीह में या परमेश्वर में। देखिए, सारी चीजें इसी तरह से काम करती है आत्मिक रूप में। पहले वो भीतर में काम करती है, आत्मिक क्षेत्र में काम करती है। आप तुरंत परिणाम नहीं पाते हैं, लेकिन भीतर में कुछ होता है। जब आप पहली बार इस कलीसिया में आए, आपने वचन सुना, एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ शुरू हुआ। आप कुछ विश्वास करने लगे, आपका दिल बदलने लगा, आप अलग बात करने लगे, आप अलग विश्वास करने लगे, आपकी अपेक्षाएं अलग होने लगी, आपके अंदर में कुछ अलग होने लगा। इसी के कारण बाहर में ये बदलाव आने लगा। बाहरी बदलाव पहले नहीं आया, पहले बाहर और फिर भीतर नहीं बदला, पहले भीतर बदला और फिर बाहर से बदलाव आया। यानी चंगाई चाहिए और आप इस चर्च में आते हैं, भीतर में कुछ तो भी होना चाहिए। आप खुद को चंगा देखें, आप खुद को अच्छा देखें। अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं तो आप अपने आप को चलते फिरते हुए देखें। अगर आप अच्छे नहीं हैं, शारीरिक रूप में आप तंदुरुस्त नहीं है, तो निश्चय आप अपने आप को चलते फिरते देखें। अपने काम सामान्य रूप से आप करते चले जाएं, आप अपने आप को चलते फिरते और व्यस्त देखने पाएं, काम करें, और अपने अंदर जो बीमारी है उन सारी बातों के बारे में कोई भी सचेतता न रखें। आप खुद को उसमें देखते जाएं, देखिए कि आप अच्छे से कर रहे हैं। खुद को मजबूत देखें, खुद को तंदुरुस्त देखें। अब अगर व्यक्ति कोई अपने आप को ऐसे नहीं देखता है, तो फिर उस व्यक्ति को चंगाई पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यह ऐसे ही काम करता है। आप अपने आप को पहले चंगा देखें और फिर ही ये बाहर में होता है। आपको देखना होगा कि आप खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे उसे कर रहे हैं। आर्थिक परेशानी में भी यही बात है, संपन्नता और ये सारी बातें।
जानते हैं, ये पहले भीतर में काम करें। आपका दिल बदलना चाहिए, बाहरी व्यवहार बदलना चाहिए, बातें बदलनी चाहिए, विश्वास बदलना चाहिए, आप खुद को जैसे देखते हैं वो बदलना चाहिए, और ये सारी बातें बदलनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि बस आप आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपको संपन्नता देता है। नहीं, परमेश्वर आपको भीतर से बाहर बदलता है। जानते हैं, आप परमेश्वर से इसी तरह से ऐसे नहीं ले सकते। ये तो ऐसा है जैसे किसी पेड़ से कुछ जोड़ती हैं। हम क्रिसमस ट्री को नहीं सजा रहे हैं कि उस पर डेकोरेशन लगाए। परमेश्वर जड़ से शुरू करता है, परमेश्वर बीज से शुरू करता है, परमेश्वर पानी देने से शुरू करता है, ये सारी क्रिया से शुरू करता। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत ही अद्भुत है। और संपन्नता भी और सफलता, बाइबल में अच्छी सफलता कहा गया है। क्या आपने कभी गौर किया? वो कहता है तुम अच्छी सफलता पाओगे, बाइबल इस तरह कहती है। ये अच्छी सफलता वो है जो भीतर से शुरू होती है और फिर बाहर आती है। ये तो शुरू होती है अंदर भीतरी आत्मिक बदलाव के साथ में, और फिर ये बाहर में प्रकट होती है। अब यदि आप बाहर जाकर किसी तरह के बाहरी काम में काम करते हैं कि किसी तरह से इस बात को चालू रखें, तो शायद इस बात से आपको थोड़ी सी सफलता मिले, क्योंकि आपने अंदर कुछ काम नहीं किया। तो एक न एक दिन तो ये प्रकट होगा, जो कुछ भी भीतर है वो बाहर को बर्बाद कर देगा, ये प्रकट होगा। तो फिर परमेश्वर की सफलता, परमेश्वर की संपन्नता जो भी प्रभु से है, वह हमेशा भीतर से बाहर काम करती है। तो आपको खुद को अलग देखना है, अलग बातें करना है, अलग जीना है, अलग तरह से विश्वास करना, और ये सब तभी ये काम करने लगता है। लेकिन बहुत से लोग विश्वास से नहीं चलते हैं, वो दृष्टि से चलते हैं। तो वो कहते हैं पहले मैं देखता हूं फिर विश्वास करूंगा, माफ करना लेकिन ये काम नहीं करता है, ये ऐसे काम नहीं करता। विश्वास करें और फिर ही आप देख पाएंगे। आपको दिल में विश्वास करना है, और दिल में विश्वास करके संदेह दूर करना, और फिर अब बाहर में कुछ परिणामों को देख पाएंगे। ठीक है, अब अंजीर के पेड़ के साथ यही हुआ। यीशु ने उससे कहा, और यीशु ने इस विषय को फिर कभी नहीं उठाया। बस उसने उससे कहा, वो तो बस वहां से सामने चला गया और फिर वापस आया। उसने इस विषय को फिर नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था जो उसने कहा है वो पूरा हो जाएगा, और वैसे ही हुआ, वो जड़ से सूख गया। मत्ती में, अगर मत्ती का सुसमाचार निकाले, यही कहानी बताई गई है। लेकिन ये सुंदर तरीके से बताती है कि कैसे यीशु इसका उपयोग करता है कि सिखाए, चेलों को विश्वास सिखाए। अब ये इसे बताता है और बहुत सहमत करता है उससे जो हम मरकुस 11 में पाते हैं। ये दृष्टिकोण की उसने इसे कैसे किया और विश्वास सिखाने के लिए उपयोग करता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 में देखिए, वचन 20। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? अब देखिए, वो चकित हो गए कि ये पेड़ इतनी जल्दी कैसे सूख गया। और देखिए, वो उसने बस उससे कहा, वो बहुत जल्दी सूख गया। मरकुस में हम देखते हैं कि वो एक दिन में सूख गया या कुछ घंटों में वो सूख गया। वो कहते हैं कितने जल्दी सूख गया। जानते हैं, आप अपनी समस्याओं से कह सकते हैं, अपनी मुश्किलों से कह सकते हैं, अपनी बीमारी से कह सकते हैं। मैं आपसे कहूं, अगर आप परमेश्वर के विश्वास को सही तरीके से उपयोग करते जाएं, तो फिर बहुत ही जल्दी ही ये सारी चीज कुछ नहीं होगी। जब यीशु ने कहा कि पहाड़ से कहे, और पहाड़ से कहना कि तू समुन्द्र में जा पड़, मतलब तू बिल्कुल खत्म हो जा, सामने से गायब हो, मेरे सामने से निकल जा, यानी समस्या से यही कहते हैं। जब आप उससे कहते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या दिखती है। ऐसा लगता है कि संसार में ये कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है, ये आप सोचते हैं। लेकिन आप चकित हो जाएंगे कि कितने जल्दी ये खत्म हो गया, कितने जल्दी ये खत्म हो गया। मैंने इसे बार बार देखा है, बड़ी समस्याएं लेकिन बहुत ही जल्दी खत्म होती हैं, बहुत ही जल्दी ऐसे होता है जैसे मानव अस्तित्व में नहीं थी। आप उसे देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो गायब हो गए। देखिए, वो कितने जल्दी सूख गया, उन्होंने कहा। अब फिर से देखिए, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास करो और संदेह न करो, हम इसी के बारे में कह रहे हैं, तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है। ध्यान देव कहता है, तुम केवल ये न करोगे जो अंजीर के पेड़ के साथ में किया गया है। तुम सब लोग कहें मैं, वो इसका आपके लिए उपयोग कहता है, और कहता है मेरे और इस तरह से न देखो कि मैंने परमेश्वर के पुत्र के रूप में किया है और तुम नहीं कर सकते। नहीं, तुम कर सकते। तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा। वचन 22 बहुत महत्वपूर्ण है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, देखिए इसे जोड़ता है, इस तरह आपकी प्रार्थनाएं काम करती हैं, इसी तरह आपके निवेदन भी, बिनती आप पाते हैं,
इसी तरह जो मांगा वो पाती हैं। विश्वास प्रार्थना ऐसी काम करती है, सब कुछ जो तुम विश्वास और प्रार्थना से मांगते हो विश्वास करो तो तुम्हें मिल जाएगा। इस तरह से विश्वास करो यानी इस तरह का विश्वास आप प्रार्थना में लगाते हैं तो काम करेगा, जो कुछ भी आपने मांगा वो सब आप पाएंगे। बहुत अद्भुत है, मत्ती में अच्छे से बताता है ये दृष्टिकोण, यानी पहले वो इसे करता है, अंजीर के पेड़ से कहता है और ये होता है और वो सब चकित हो जाते हैं। और जब वो उसके ध्यान में ये लेकर आते हैं वो उन्हें विश्वास के काम के बारे में सिखाता है। मैं इसे चार पॉइंट्स में लिखाऊंगा, मरकुस 11:23 को, जो को इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा, इस बात को मैं यहां पर चार पॉइंट्स में बताऊंगा। विश्वास का काम, विश्वास कैसे काम करता है, प्रकाशन देता है विश्वास कैसे काम करता है। एक, तुम्हें अपनी समस्या से कहना होगा। दो, आपको विश्वास करना है कि जो कुछ भी कहा है वो पूरा होगा। तीन, कि आपको दिल में संदेह नहीं करना है। चार, जो भी कहा वो मिलेगा। विश्वास हर समय ऐसे ही काम करता है। आप समस्या से कहते हैं, विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी कहा वो पूरा होगा, निश्चित करते कि संदेह दूर करते हैं, अविश्वास को आप जो है वो दूर कर देते हैं, और फिर जो कुछ भी आपने मांगा है उसे आप देखते हैं, आपने जो कुछ भी कहा है वो पाएगा, इस तरह से कहता है। यहां पर उसने ये शर्त क्यों रखी है संदेह के बारे में, क्यों कहता है कि दिल में संदेह न करें। इसमें बड़ी बात कही कि संदेह न करें, मत्ती और मरकुस में भी दोनों वचन में कहता है यदि बिना संदेह से विश्वास करो कहता है, ठीक है। क्यों संदेह करना रुकावट क्यों है, क्योंकि संदेह करे तो सब बर्बाद हो जाएगा, यदि संदेह करे तो सारे परिणाम में गड़बड़ी हो जाएगी, जो भी विश्वास कर रहे उसे आप पा नहीं सकेंगे, क्योंकि संदेह करे तो परिणामों में गड़बड़ी होगी। तो चलिए संदेह के बारे में देखें। मैंने आपसे कहा डबल और डाउट, ये शब्द डबल और डाउट एक ही शब्द से आते हैं, DOUB, ये दोनों शब्दों के पहले चार लेटर हैं। ये हमें दर्शाते हैं कि संदेह और कुछ नहीं है, बस मनुष्य दो तरीके से सोचता है। एक दिन वो सोचता है हाँ ये संभव है, अगले दिन सोचता है मुझे नहीं लगता कि ये संभव है, क्योंकि उसने अभी कुछ विपरीत परिस्थितियां देखी हैं, यानी वो अभी दो मन में है। एक बार सोचता है हाँ ये हो सकता है, अगली बार सोचता है नहीं हो सकता। अब ये समझना कि विश्वास और ये सारी बातें कैसे काम करती हैं, मैं एक और वचन बताता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14:23 से आगे, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला था। यानी यीशु यहां पर ऊपर है पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए जाता, अकेला है। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, यानी चेले नाव में थे, वो झील के बीच में थे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक कमेंटेटर ने लिखा था यीशु पानी पर चल रहा था, उसके बारे में कहा वो किनारे पर चल रहा था, बस थोड़ा सा पानी, उसका पैर थोड़े से पानी में था, और ये लोग रात को इतने डर गए थे कि उन्होंने वहां पर यीशु को किनारे पर देखा और सोचा कि ये तो पानी पर चल रहा है, और वो बहुत डर गए। लेकिन ये कहता है वो झील के बीच में थे और यीशु चलते हुए उनके पास में झील के बीच में गया। नाव वहां पर झील के बीच में थी, लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा उल्टी थी। यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास गया, यानी यीशु भी अभी झील के बीच में ही था, किनारे पर नहीं चल रहा था। जैसे इस भाई ने कहा वो भी झील के बीच में ही था, झील पर चल रहा था। चेलों ने इसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे, डर के मारे चिल्लाए। अब ये बहुत ही दिलचस्प है, ये कौन थे, ये तो यीशु के चेले थे, सब बड़े नाम वाले, पत्रस, याकूब, यूहन्ना, ये सब बड़े रेवरेंड यहां थे, बड़े लोग, ये सबसे बड़े लोग थे। मसीह संसार में वो सब वहां थे, ये तो बहुत बड़े लोग थे, बड़े प्रेरित लोग थे, सब उस नाव में थे और वो वहां थे और सब वहां पर डर के मारे चिल्ला रहे थे। ये मेरे लिए दिलचस्प है कि परमेश्वर किस तरह के लोगों को चुनता है, क्या आपने कभी ये सोचा, परमेश्वर किस तरह के लोगों को चुनता है। और जब प्रभु ने मुझे चुना तो मैंने सीधा परमेश्वर से कहा, क्या प्रभु तुझे मुझसे कोई अच्छा नहीं मिला, मैं तुझे बता सकता हूं जो लोग मुझसे अच्छे हैं, मुझे क्यों चाहता है मेरे प्रभु, मैं तो इन बातों के लिए सही व्यक्ति नहीं, मैं सोचता हूं इस बात के लिए दूसरे लोग अच्छे फिट होंगे। उसने कहा मैं चुनता हूं, इसलिए चुनता हूं क्योंकि सभी लोग एक जैसे ही हैं। उसने कहा कोई चुनाव नहीं है। क्योंकि हर कोई बस इसी दशा में है, वो शायद बाहर से अलग ही दिखते हो,
शायद ज्यादा धार्मिक दिखाई देते और वो सब। मैंने कहा प्रभु वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैंने उन लोगों के बारे में बताया जो अच्छे से बाल काटते थे, लेकिन मेरे बाल लंबे थे जानते हैं, और मैं उतने अच्छे कपड़े नहीं पहनता था, और ये लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे। वो बिल्कुल सही लोग हैं, परमेश्वर ने कहा है सब अंदर से एक जैसे ही है, तुम्हारे जैसे ही। मुझे ऐसों के साथ ही काम करना है। परमेश्वर उन लोगों को चुनता है क्योंकि उसके पास और कोई नहीं है, बस उसके पास यही है, जो भी है उन्हीं के साथ काम करना है। परमेश्वर के बारे में एक अच्छी बात है कि वो ऐसा है जो आपको आकार दे सकता है, आपको रूप देकर एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति बना सकता है, आप जहां पर है वहां से उठा सकता है। हाँ, देखिए ये सच में आज हमारी सेवकाई करता है, क्योंकि आज हम सब एक ही नाव में हैं। देखिए हम में सब में वो अविश्वास की विशेषता है, और फिर देखिए कई बार जानते हैं उसी तरह की मानसिकता होती है, और ये सारी बातें हम इस गिरे हुए संसार में हैं, और हम चल रहे हैं, सारा जीवन जी रहे हैं गिरे हुए संसार में, गिरे हुए लोगों के साथ में, और हमने उनके सारे स्वभाव गुणों को ले लिया है, उनके सारे व्यवहार को सीख लिया है, और हम बेहतर नहीं हो सकते, हम इस संसार के भाग हैं। वो हमें संसार में चुनता है और उसके बाद में काम करने लगता है। तो चिंता ना करें कि आज आप कौन हैं, बस अपेक्षा करें कि वो आप जैसे व्यक्ति को कैसा व्यक्ति बनाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने अपने आप को उससे सौंपा है, और उसने मुझ में काम किया, मुझे चोखा बनाया, और जानते मुझ में से सारी गंदगी दूर की, मुझ में काम किया और अभी भी काम कर रहा है, और मैं आपको बताऊं ये बेहतर और बेहतर हर समय बेहतर हो रहा है। आमेन। मैं 30 साल पहले जैसे था उससे बहुत बेहतर हूं, और 10 साल बाद मैं और भी बेहतर हो जाऊंगा। हाँ, परमेश्वर ऐसा, इसलिए आप जैसे हैं उसके बारे में चिंता न करें। शायद आप कमजोर हो और अविश्वास वाले व्यक्ति हो, शायद हो सकता है कि आप परमेश्वर के साथ में पवित्र तरीके से नहीं चल रही हो, शायद आप असफल रहे हो, आपने परमेश्वर को असफल किया हो और परमेश्वर को आपने धोखा दिया हो। लोग इसके बारे में बहुत चिंता करते हैं, मैं इस योग्य नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं, मैं भला नहीं, इसकी परवाह न करें। परमेश्वर आप में काम कर रहा है, जब वो काम पूरा करेगा तो आप देखिए क्या होगा, आप अद्भुत दिखेंगे, क्योंकि नाव में सभी लोग जो थे सब एक ही नाव में बैठे थे, वो सब सिद्ध नहीं थे, लोग जिनमें विश्वास नहीं था और डर के मारे चिल्ला रहे थे, वो ऐसे ही मनुष्य थे बिल्कुल आज हमारे जैसे ही, कोई अलग नहीं, ठीक है। तो सब डर के मारे चिल्ला रहे थे, और फिर चलिए आगे पढ़ते हैं वचन 27, और तभी यीशु ने उनसे कहा धाड़स बांधो, मैं हूं, तुम डरो मत। ठीक है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तो मेरे लिए ये तो अद्भुत प्रत्युत्तर है, क्या आप ये नहीं कहेंगे? अब यदि आप नाव में होते और समुन्द्र में तूफान आया है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, सब कुछ खतरनाक दिख रहा है आधी रात के समय में, और यहां यीशु पानी पर चलते हुए आपके पास आता है, ये तो और भी बुरा हो गया, वो तो और डरा रहा है। लेकिन इस मनुष्य का जो प्रत्युत्तर है वो तो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि उसने कहा प्रभु यदि तू है तो मुझे आने की आज्ञा दे, मैं भी आकर चलूंगा। क्या आप कभी इस तरह के प्रत्युत्तर के बारे में सोचेंगे? ये सोचेंगे मेरे प्रभु ये पानी पर चल रहा है तो मेरे बारे में क्या? प्रभु मैं आने के लिए तैयार हूं, मेरे बारे में क्या? यदि ये सच में तू है तो मुझे बुला और मैं भी आऊंगा। ये तो सच में बहुत ही अद्भुत अद्भुत प्रतिक्रिया, जहां तक कि मैं सोचता हूं। Threatening clouds may hide your vision for a while, and you may wonder if he hears you when you pray. But don't forget that God is love and you're his child. Press on in faith because the answer's on the way. Keep pressing on. Pressing on, God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on, keep pressing on. Side of faith, and though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. You must run this race to win the victor's crown.
Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Now you must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on. Press it on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. Keep pressing on, God's on the other side of faith, and though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith, and though the clouds may for a moment